व्हाट्सअप यूट्यूब दिस इज राम खान एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो ना भाई, किस बात की दीजिए, बिल्कुल फ्री है। उसका फायदा होगा कि जब भी फ्यूचर में मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मेरी जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है और आप मेरी कोई भी वीडियोस कभी भी मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यूट्यूब पर कौन क्रिएटर नहीं चाहता कि हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं उन पर भी प्रेजेंट टाइम में अच्छा खासे व्यूज आते रहे। तो उसका सिंपल तरीका यह है कि आप अपनी पुरानी वीडियोस को अपनी न्यू वीडियोस से लिंक कर लीजिए, उससे आपकी वीडियोस पर लगातार व्यूज आते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि पुराने वीडियोस को न्यू वीडियोस से लिंक कैसे करें। तो उसका सिंपल सा तरीका बस यही है कि आप अपनी पुरानी वीडियोस को अपनी न्यू वीडियोस के एंड स्क्रीन में सेट कर लीजिए, जिससे आपके लगातार व्यूज इंक्रीज होते चले जाएंगे। पहले तो ये बहुत ही ज्यादा आसान था गाइस, क्योंकि हमारे पास क्लासिक वर्जन था, तो हम क्लासिक वर्जन में आसानी से एंड स्क्रीन लगाकर कोई भी पुरानी वीडियोस में सेट कर लिया करते थे। लेकिन जब से यूट्यूब का बीटा वर्जन आया है तो बहुत ही ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा इंटरफेस ही चेंज कर दिया है यूट्यूब ने। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि हम यूट्यूब के बीटा वर्जन में किसी भी न्यू वीडियो के एंड स्क्रीन में कोई भी पुरानी वीडियो कैसे सेट कर सकते हैं और सेट करने के बाद उसको चेंज करके दूसरी वीडियो कैसे लगा सकते हैं। सारे डाउट्स मैं आपकी इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं गाइस, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और फटाफट सीख लेते हैं YouTube बीटा वर्जन से मोबाइल में एंड स्क्रीन सेट करना। ओके, तो गाइस एंड स्क्रीन लगाने के लिए सबसे पहले हमें अपने गूगल क्रोम में जाकर अपने चैनल यूट्यूब बीटा स्टूडियो में ओपन कर लेना है। तो मैं चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद सबसे पहले आपने थ्री डॉट पे क्लिक करके अपने डेस्कटॉप मोड ओपन कर लीजिएगा, मेरा ऑलरेडी ओपन है। उसके बाद आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा www.youtube.com। सर्च करने के बाद आपका चैनल कुछ इस टाइप से ओपन होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपने चैनल लोगों पर क्लिक कीजिएगा। चैनल लोगों पर क्लिक करने के बाद आपको फंक्शन दिखेगा यूट्यूब स्टूडियो का, सिंपल इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका चैनल यूट्यूब स्टूडियो बीटा में ओपन हो जाएगा। अब आपको जाना है यहाँ वीडियो सेक्शन में। वीडियो सेक्शन में जाने के बाद आपके चैनल पर जितने भी वीडियोज आप अभी तक अपलोड कर चुके हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको जिस वीडियो में एंड स्क्रीन लगानी है उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं अपनी इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं इस पर टैप करूँगा। टैप करने के बाद यहाँ पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक फंक्शन देखने को मिलेगा एंड स्क्रीन, तो सिंपल एंड स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगी, तो इसमें से जो भी टेम्पलेट्स आप अपने वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं एंड स्क्रीन के तौर पे उसको सेलेक्ट कर लीजिए। काफ़ी सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो मैं अपनी ज़्यादातर वीडियो में फर्स्ट वाली टेम्पलेट यूज़ करता हूँ, तो मैं टैप करके इस वाली को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इस पर ये टैप किया, ये टेम्पलेट हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब उसके बाद हमें करना क्या है गाइस, यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट वाली टेम्पलेट पर क्लिक करके वीडियो हाउ टू कॉपी ऐप यू आर एल फ्रॉम प्ले लिस्ट स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें इस वीडियो सेक्शन के एंड स्क्रीन में लगानी है। तो सपोज दैट मैं फर्स्ट वाली वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सारी वीडियोज ऑलरेडी ओपन होकर आ चुकी हैं। मैं फर्स्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं फर्स्ट वाली वीडियो यहाँ आ चुकी है। इसी तरह मैं यहाँ सेकेंड वीडियो पर टैप करने के बाद फिर यहाँ पर क्लिक करता हूँ वीडियो हाउ टू ऐड सोशल मीडिया लिंक्स, थर्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करके मैं यहाँ पे कोई सी और वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरी दूसरी एंड स्क्रीन में लग सकती है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक रैंडम सी वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज दैट मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमारी दोनों वीडियो यहाँ लग चुकी हैं और बीच में हमारा सब्सक्राइब का बटन ऑलरेडी लगा हुआ है। इन वीडियो को आप अपने थंब की सहायता से पकड़कर ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिस जैसे कि मैं कर दिखा रहा हूँ। एक को मैं यहाँ लगा लेता हूँ और दूसरी वीडियो को मैं उठा के यहाँ पर लगा लेता हूँ और सब्सक्राइबर बटन को मैं उठा के अपने यहाँ साइड में लगा लेता हूँ। ये देख सकते हैं, देखिए काफ़ी देखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद गाइस आप अपनी वीडियो का टाइमिंग दे सकते हैं कि आपको किस टाइम से किस टाइम तक ये एंड स्क्रीन शो करानी है। तो सबसे पहले आप अपनी फर्स्ट वीडियो पर टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिखेगा टाइमिंग का, फिर सिंपली आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पे 5:53 है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी घटा बढ़ा सकता हूँ, 5:54 या 5:55 कर सकता हूँ। सपोज दैट मैं अगर 5:55 करूँ तो यहाँ पर मुझे इसको मिटाकर लिखना होगा 5:55 फिर :00। उसके बाद यहाँ एरो पर क्लिक कर दीजिएगा तो हमारा ये एंड स्क्रीन का टाइमिंग सेट हो गया। स्क्रीन का साइज़ छोटा करते हैं। इसी टाइप से सेकंड वाले वीडियो पर क्लिक करके आप सेकंड वाले वीडियो का टाइम भी यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो इसका भी टाइम हम दे देते हैं 5:55 5:55 0। उसके बाद यहाँ एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन का साइज़ दोबारा छोटा करेंगे अपनी थंब की सहायता से। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारी दोनों वीडियोज़ 5:55 5:55 पर सिलेक्ट हो चुके हैं। अब जैसे ही हमारी 5:55 तक वीडियो चल जाएगी उसके बाद ऑटोमेटिक ये तीनों फंक्शन हमारी वीडियो में शो हो जाएंगे। मैं आपको प्ले कर दिखाता हूँ। प्ले के बटन पे क्लिक करके इसको चेक करता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद ये देख सकते हैं।
ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप यहाँ सिंपल ऊपर सेव के बटन पर क्लिक करके अपनी एंड स्क्रीन को सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी वीडियो में एंड स्क्रीन लगा सकते हैं और उसको कभी भी हटाकर दूसरी एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। तो ये थी मेरा आज की सिंपल सी वीडियो गाइस। आई होप मैंने आपको क्लियर वे में समझा दिया होगा कि आप किस तरह से किसी भी वीडियो की एंड स्क्रीन में कोई दूसरी वीडियो सेट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो फटाफट जाइए अपने बीटा वर्जन में और अपनी पुरानी वीडियोज़ को अपनी न्यू वीडियोज़ की एंड स्क्रीन में सेट करिए। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि 3-4 दिन बाद ही आपकी न्यू वीडियोज़ पर जो पुरानी वीडियोज़ आपने सेट की हैं उन पर डे बाई डे व्यूज़ इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए हैं। जब ऐसा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये ट्रिक काम कर रही है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे पुराने व्यूअर हैं आप और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर इस टाइप की वीडियोस डे बाय डे लाता रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑलवेज वर्क हार्ड बट नेवर गिव अप।